सो गाइस, YouTube शॉर्ट्स कैसे वायरल करें, इस टॉपिक पर आपने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें बताया जाता है कि आपको अपनी वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में हैशटैग शॉर्ट्स का इस्तेमाल करना है, जिसके बाद आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाएगी। लेकिन गाइस, ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आपने शॉर्ट वीडियो में हैशटैग शॉर्ट्स लगाया तो आपको इसका रिजल्ट पता है कि इससे शॉर्ट्स बिल्कुल भी वायरल नहीं होती है और ये जो ट्रिक होती है वो बिल्कुल फेक होती है। तो आज मैं आपको जो बताऊँगा वो कोई ट्रिक नहीं रहेगी, वो पूरा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा। और जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मैं पिछले 1 वीक से अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड कर रहा था। साइड में आप स्क्रीन शॉर्ट्स भी देख लो, सिर्फ और सिर्फ मैंने शॉर्ट अपलोड किया है, कोई भी मैंने मतलब लॉन्ग वीडियो लाइव स्ट्रीम वगैरह नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड किया था। और कुछ लोग बोल रहे थे कि इससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, शॉर्ट बिल्कुल बेकार होता है। तो उसका मैं आपको रिजल्ट भी दिखा दूंगा कि मेरी एक शॉर्ट से कितने सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं, क्या क्या वॉच टाइम आ रहा है, सब कुछ बताऊंगा। साथ ही शॉर्ट्स को वायरल करने का ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपके शॉर्ट 2 दिन के अंदर जरूर वायरल होगी। और अगर वायरल नहीं होगी तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी डिसलाइक कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड मुझे अगर पसंद आएगा तो लाइक करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये है मेरा सेकंड फोन और इसमें मैंने अपना YouTube स्टूडियो ऐप ओपन कर लिया है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी जो शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी एक वीक पहले और इतनी सारी शॉर्ट्स का क्या रिजल्ट आया, मेरी एक शॉर्ट से कितनी सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं, कितना वॉच टाइम आ रहा है, वो मैं आपको पहले दिखाता हूं। और इसी तरह का आपका भी वॉच टाइम आएगा और सब्सक्राइबर आप जरूर देखना। तो ये देख सकते हो, ये है मेरा YouTube स्टूडियो, इसमें मेरी सारी शॉर्ट वीडियो आ चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो, ये एक वीडियो जिसपे 1.1K व्यूज़ आया है, नीचे एक और इस पर 700 आया है और एक और है उस पर 800 आया है, इस पर 900 आया है। इतना सारी मेरी शॉर्ट वीडियो, चलिए मैं कोई भी एक शॉर्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस मैंने इस शॉर्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है, इस पर मतलब इसका टाइटल कुछ ये है और इस पर 815 व्यूज़ आया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी इस शॉर्ट से कितना वॉच टाइम आया है और कितने सब्सक्राइबर आए हैं। सबसे पहले आप व्यूज़ देख लो, 815 व्यूज़ है और जी मेरी शॉर्ट थी वो है 30 सेकंड की शॉर्ट थी। इससे मेरा वॉच टाइम कितना है आप देख सकते हो, 4.5 आवर, मतलब 30 सेकंड शॉर्ट्स में काफ़ी अच्छा वॉच टाइम आया है। और सब्सक्राइबर मैं आपको दिखाता हूँ, सब्सक्राइबर आप देख सकते हो 14 सब्सक्राइबर मेरी इस शॉर्ट से इंक्रीज़ हुआ है। और आप देख सकते हो मेरी इस शॉर्ट में भी मतलब व्यूज़ बढ़ रहा है, 14 सब्सक्राइबर मेरी इस शॉर्ट से इंक्रीज़ हुआ है। अब ये देख सकते हो, ये था रिजल्ट। तो ये मेरी एक शॉर्ट वीडियो है, इसको मैंने सिर्फ मतलब ये एक मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा दिया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि शॉर्ट्स को कैसे वायरल किया जाता है, कोई भी हैशटैग या मतलब ट्रिक वगैरह नहीं बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक मतलब बताता हूँ कि कैसे आपको शॉर्ट्स वायरल करना है। तो ये देख सकते हो मेरी जो तो गाइस आप देखना, आप शॉर्ट्स को वायरल करने का ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जितनी भी शॉर्ट्स है सबको मैंने थंबनेल भी लगाया है, उसका मैं आपको SEO भी दिखाता हूँ। तो ये इस पर 1.1 की व्यूज़ है, 1.1 की व्यूज़ है और इसमें अगर आप टाइटल देखो काफ़ी क्लिक के टाइटल लगाया है, थंबनेल भी काफ़ी अच्छा बनाया है। अच्छा बनाने के बाद आप देख सकते हो मैंने डिस्क्रिप्शन भी पूरा बिल्कुल SEO किया था, पूरा 100% मेरा SEO है, देख सकते हो पूरा भर भर के मैंने SEO किया है। और मैं आपको टैग भी दिखाता हूँ, देख सकते हो टैग भी काफ़ी पूरा भरा हुआ है सब कुछ। मैंने कोई अभी हैशटैग शॉर्ट्स नहीं लगाया है, आप देख सकते हो मैंने मतलब टैग्स में कोई भी हैशटैग शॉर्ट्स नहीं लगाया है, सिर्फ मैंने मतलब इसमें लगाया था, अपने मतलब टाइटल में लगाया था। और रिजल्ट आप देख सकते हो 1.1 के व्यूज़ है, काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर इस पर इंक्रीज हुए हैं, 20 सब्सक्राइबर मेरी शॉर्ट्स से इंक्रीज़ हुए हैं। तो गाइस आपको करना क्या है कि सबसे पहले अपनी शॉर्ट्स को कभी भी ऐसे अपलोड मत कर देना जिसपे अगर आप ऐसे अपलोड कर दोगे तो उस पर ना ही आपका थंबनेल लगेगा और ना ही उसको नोटिफिकेशन जाएगा, और अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो उस पर अगर आपको जो सब्सक्राइबर है वो देख नहीं पाएंगे, और अगर देख नहीं पाए तो वो वीडियो वायरल नहीं होगी, बिल्कुल भी वायरल नहीं होगी। सबसे पहले आपको अपनी वीडियो को प्रीमियर करके अपलोड करना है। अगर आप मैं कोई भी आपको दिखाता हूँ कि प्रीमियर कैसे किया जाता है। तो ये मेरी एक लॉन्ग वीडियो है जिसको मैंने अपलोड कर दिया। प्रीमियर करने के लिए आपको पता होगा कि आपको प्राइवेट में जाना है, और मतलब जो जाना है इसको पब्लिक पे क्लिक करके सेट एज ए प्रीमियर कर देना, इसके बाद आप सेव कर दोगे तो ये जो वीडियो है ये प्रीमियर हो जाएगी। तो आपको इसी तरीके से अपनी शॉर्ट को भी अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद उसमें अच्छा थंबनेल लगाना है, लगाने के बाद उसमें अच्छे से SEO भी करना है ताकि अगर कोई उस टॉपिक को सर्च करे तो उससे आपका सर्च में भी व्यूज़ आए और उससे आपका वॉच टाइम भी इंक्रीज़ होगा और वो वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए भी काउंट होगा। तो आपको करना क्या कि अपनी शॉर्ट में थंबनेल भी लगाना है, SEO भी करना है, डिस्क्रिप्शन टैग डिटेल सब कुछ अच्छे से लगाना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बस यही आपको करना है, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। इससे आपकी शॉर्ट बिल्कुल भी वायरल हो जाएगी, मतलब बिल्कुल वायरल होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर